तो के फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे रेविट में फ्लोर प्लान किस तरह से बनाया जाता है। फ्लोर प्लान कुछ इस तरह का होता है। फ्लोर प्लान ये रेविट में हम किस तरह से बनाया जाता है ये देखेंगे। इसके लिए हम जाते हैं रेविट में। इसलिए रेविट में जाने के बाद फ्लोर प्लान में हम सबसे पहले लेवल्स क्रिएट करना पड़ेगा। लेवल्स क्रिएट करने के लिए साउथ एलिवेशन में चलेंगे। साउथ एलिवेशन में जाने के बाद ग्राउंड लेवल हम सेट करेंगे। ग्राउंड लेवल नाम दे देंगे इसे ग्राउंड। ग्राउंड नाम देने के बाद इसका दूसरा लेवल हमें प्लिंथ लेवल का सेट करना पड़ेगा। प्लिंथ लेवल इसको नाम दे देंगे प्लिंथ। जितने लेवल हमें चाहिए होते हैं उससे सबसे पहले वो उतने लेवल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसकी हाइट दे देंगे। ठीक है, इसके लिए प्लिंथ के बाद हमें एक तीसरा टॉप लेवल का एक और एक एक लेवल चाहिए होगा। इसके लिए हम इसे डबल सी टाइप करके कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे इस तरह से। और तीसरे लेवल को हम नाम दे देंगे टॉप हाइट या टॉप या जो भी आप दे सकते हैं वो दे दें। इसके बाद ग्राउंड से प्लिंथ की हाइट हमें जितनी रखनी है उतनी हम रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये एमएम और सेंटीमीटर्स में है यूनिट। इसके यूनिट हमें बदलना पड़ेगा। यूनिट बदलने के लिए हमें सबसे पहले यू एन टाइप करना पड़ेगा। कीबोर्ड से यू एन टाइप करने के बाद यहाँ से फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस को सिलेक्ट करके ओके करें। तब हमारा जो तो प्लान कैट का जो है वो फीट में है, इसलिए हम फीट में लेंगे। प्लिंथ लेवल की हाइट रखेंगे। प्लिंथ लेवल की हाइट है तकरीबन 2.5 फीट 3 इंच और टॉप लेवल की है यहाँ से 7 फीट। ठीक है, ये हमारे हो गए लेवल्स। हमें फ़िलहाल फ्लोर प्लान के लिए इतने ही लेवल काफ़ी होते हैं, इसलिए हमें 3 लेवल काफ़ी होंगे। इसके बाद हम चलते हैं लेवल फर्स्ट पे, यानी कि ग्राउंड लेवल पे। इसके लिए फ्लोर प्लान में से ग्राउंड लेवल सेलेक्ट करेंगे और ये आ गए हम ग्राउंड लेवल पर। ग्राउंड लेवल पर आने के बाद हमें जो फ्लोर प्लान बनाना है उसका कैड फाइल इंपोर्ट करेंगे। कैड फाइल इंपोर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाके इंपोर्ट कैड लेने के बाद यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास ये फाइल है। ठीक है, अब इतने सारे फाइल्स हैं, इसके लिए हमें सिर्फ ये प्लान लेना है। ये प्लान लेने के लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सिंपली W इंटर टाइप करेंगे तो ये विंडो होकर सेपरेट हो जाएगा। ये डेस्कटॉप पर से ओके कर दें। इतना प्लान हमारा डेस्कटॉप पर आ गया। इसके बाद हम डेस्कटॉप पर आएंगे, ये न्यू ब्लॉक का प्लान हमारे पास आ गया है। इसके बाद हम इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कैड डेस्कटॉप न्यू ब्लॉक और यहाँ से पोजिशनिंग में सेंटर टू सेंटर करेंगे ताकि सेंटर में आ जाए। और इसके बाद यहाँ से जो इंच ये यूनिट्स होता है इसे इंचेस में करेंगे क्योंकि हमने इंचेस में सेट किया हुआ है यूनिट, इसलिए इंचेस करेंगे। और इसे ओके ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ओपन हो रहा है, 1 मिनट। ओपन होने के बाद हमारा प्लान यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है। अब इम्पोर्ट होने के बाद सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि यूनिट सही आए हैं या नहीं। इसके लिए मॉडिफाइड में जाके डायमेंशन टूल से अलाइनमेंट डायमेंशन या इस मेजर टूल से भी हम देख सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की है DI। DI टाइप करने के बाद हमारा ये वॉल 9 का है, इसको हम मेजर करके देखेंगे 9 इंच। ये हमारा प्लान इंपोर्ट सही से हो चुका है। अब हमें इस पे वॉल क्रिएट करना है। वॉल क्रिएट करने के लिए हमें आर्किटेक्चरल में जाएंगे और वॉल सेलेक्ट करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है WA। WA टाइप करने के बाद
हमारे पास कुछ 9 के बॉल है, कुछ 4 के हैं और बस 2 ही बॉल है, और कुछ 6 के भी होंगे मगर इसमें नहीं है। तो हमें 2 बॉल क्रिएट करने हैं, इसलिए हमें 2 बॉल हम सबसे पहले बना के रख देते हैं। इसके लिए हम एडिट टाइप पर क्लिक करेंगे। एडिट टाइप पर क्लिक करने के बाद जेनेरिक वॉल 200 mm का लेंगे। इसके बाद डुप्लीकेट टाइप करेंगे और इसे ना रीनेम करेंगे विथ 9 इंचेस। उसके बाद थिकनेस में हम 9 इंच इसको वॉल में दे देंगे, ये 9 इंच, फिर इसको ओके कर दें। एक वॉल हमारे पास क्रिएट हो चुका है, बेसिक वॉल 9 इंच, और हमारा दूसरा है 4 का वॉल, इसलिए हम फिर से एडिट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, 4 इंच इसका नाम देंगे, या जो चाहे आप वो दे सकते हैं। इसकी थिकनेस 4 इंच की दे देंगे। 4 इंच की देने के बाद इसे ओके। तो ठीक है, हमारे पास अब ये 2 वॉल क्रिएट हो चुके हैं, 9 का और 4 का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 9 के वॉल से। 9 का वॉल सिलेक्ट करने के बाद WA टाइप करेंगे जिससे वॉल सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो वॉल हमें शुरू करना है, 9 का वॉल सिलेक्ट करेंगे। अब वॉल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसकी कुछ सेटिंग्स होती है, वो सेटिंग्स हमें करना पड़ती है, जैसा कि हाइट। हाइट यानी कि वॉल 0 से ऊपर की तरफ जाएगी, और डेप्थ यानी कि 0 से नीचे यानी माइनस की तरफ जाएगी। तो हमें ऊपर ही उठाना है वॉल, इसलिए हम हाइट लेंगे। हाइट लेने के बाद उसकी हाइट कहाँ तक होगी, कौन से लेवल तक होगी, या अनकनेक्टेड देकर हम डायरेक्टली उसकी हाइट की, ये वॉल की हाइट यहाँ से इंटर कर सकते हैं, लेकिन हमने लेवल्स क्रिएट किए हुए हैं इसलिए हम लेवल्स सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे हाइट में, टॉप तक की होगी हर वॉल। ठीक है, टॉप सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद लोकेशन लाइन, मतलब जब लाइन हम ये शुरू करेंगे तो प्लान के कौन से एज से वो वॉल क्रिएट होना शुरू हो, ये पूछ रहा है, इसलिए हम लेंगे एक्सटीरियर या इंटीरियर, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, मैं एक्सटीरियर लेता हूँ। उसके बाद ऑफसेट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने 3 सेटिंग करने के बाद हम वॉल क्रिएट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद ये आउटर का वॉल जो है हमारा 9 का है। अब ये वॉल हमारे इस फेस से बाहर जा रहा है, इसलिए सिंपली इसे स्पेस बार टाइप करेंगे। तो ये प्लान पर वापस आ जाएगा। इसके लिए हम बाद में जैसे जैसे वॉल है इसके लिए ड्रॉ करते जाएंगे। अभी हमारे पास 4 के भी वॉल है और 9 के भी है, तो फिलहाल जो अभी अपना 9 का वॉल है, 9 के वॉल से पूरे वॉल ट्रैक कर ले, उसके बाद हम उसे अलग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ वॉल है उसे ड्रैग कर दें, बाद में हम उसे अलग कर सकते हैं। 9 का कौन सा है, 4 का कौन सा है, कंपाउंड वॉल की हाइट कितनी है, और स्टेयर केस की हाइट, रूम की हाइट वगैरह सब कुछ। तो ये हो गया। अब हमारे इसे शेडेड मोड में कर देते हैं। यहाँ से शेडेड मोड में आ गया। शेडेड मोड में आने के बाद ये वॉल कंटिन्यू यहाँ तक है। इसके लिए मॉडिफाइड में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पर ट्रिम एंड एक्सटेंड पर क्लिक करके ये वॉल को यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। फिर WA एंटर करके यहाँ से डायरेक्ट 4 का वॉल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि तो ये पूरे वॉल 4 के हैं, इसलिए 4 का ही लेंगे और इस पर ड्रैग कर देंगे। या फिर ये ऐसा खींच कर भी हम इसे बढ़ा सकते हैं, ट्रिम एंड एक्सटेंड ना करते हुए भी। अब ये वॉल हमारा, यहाँ पर डोर भी दे सकते हैं या विंडो भी देना है, इसलिए हमें इसे वॉल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये वॉल्स हमारे क्रिएट हो गए। अब इसमें हमें नज़र नहीं आ रहा कि कौन से 4 के कौन से 9 के हैं, इसके लिए हमें सिंपली वायर फ्रेम में जाना पड़ेगा। वायर फ्रेम में जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, वायर फ्रेम, तो हमें ये वॉल और प्लान दोनों नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मेरा 4 का वॉल है और उसके बाद 9 का है, तो इसके लिए हमें ट्रिम करना पड़ेगा वॉल को, क्यों तो ये अखंड एक ही वॉल ये हमने क्रिएट की हुई है। इसके लिए ट्रिम करने के लिए मॉडिफाई में ये ट्रिम, सॉरी स्प्लिट का, स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट का ऑप्शन है, स्प्लिट की शॉर्टकट की है SL। जहाँ तक 4 का चाहिए उसे ट्रिम कर दें, यहाँ से यहाँ तक ये 4 का हो,
जहाँ जहाँ है वो ट्रिम कर दे। उसके बाद ये तो पूरा ही है। हाँ, उसके बाद ये भी शायद, ये भी चार का ही वॉल है, ठीक है चलेगा। ये चार का है, ज़्यादातर तो नौ के ही वॉल है अपने पास पूरी, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो वॉल ट्रिम की है, स्प्लिट की है, उसे सिलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जो वॉल चाहिए उसे सिलेक्ट कर देंगे। तो ये वॉल हो गया चार का। इस तरह से सब आप कर सकते हैं। ये भी वॉल चार का है, इसे भी चार का कर देंगे। फिर स्प्लिट करेंगे, SL कट स्प्लिट 4, ये चार का हो गया। इसके बाद SL, सारी स्प्लिट ही है, ये नौ का भी रख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये वॉल चार का है, इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से चार का वॉल इसे बोल देंगे, करवा लेंगे। उसके बाद हमारा कंपाउंड वॉल चार का है, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे चार का वॉल बोल देंगे। ये हमारे वॉल्स क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद हमें ये कैसा हो गया, इसके बाद हमें इसे डोर और विंडो प्लेस करना है। वॉल सही से क्रिएट हुए या नहीं देखने के लिए 3D व्यू में देखेंगे। 3D व्यू में देखने के बाद हमारे वॉल सही से क्रिएट हो गए। हाइट बराबर जहाँ तक हमने सेट की थी वो आई है या नहीं वो देखेंगे। इसके देखने के लिए साउथ में जाएंगे, लेवल्स में, ये टॉप लेवल तक हमारी वॉल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसके लिए उसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम है, जो ये हमारा कंपाउंड वॉल है उसकी हाइट तो हमें कम चाहिए होगी यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए हम इस तरह से इसकी हाइट इस तरह से कम करेंगे, SL करेंगे। SL के बाद जहाँ तक हाइट कम चाहिए वहाँ तक उसे स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद उतनी वॉल हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ से टॉप कंस्ट्रक्शन में से इसकी अनकनेक्टेड करके इसकी हाइट मैन्युअली हम टाइप कर सकते हैं। इसकी हाइट 9 फीट है तो हम इसकी हाइट फ़िलहाल 4 फीट देंगे, क्यों तो हम अभी फ्लोर प्लान बना रहे हैं, इसलिए इसकी हाइट हम कम ही बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें डोर और विंडो प्लेस करना है। डोर और विंडो प्लेस करने के लिए आर्किटेक्चर में, सॉरी सेफ हो गया, आर्किटेक्चर में हम डोर सेलेक्ट करेंगे। डोर सेलेक्ट करते ही हमारे पास एक डोर आ जाएगा। डोर की वेड़ता और हाइट हमें पहले डालना पड़ेगा। इसके लिए हम डोर, हमें जो साइज़ का चाहिए वो डोर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए एडिट टाइप में जाएंगे। एडिट टाइप में जाने के बाद डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट के बाद माई डोर, या फिर जो 3 फीट का डोर है, कोई 2.5 फीट का होता है, इसे हम फीट डाल देंगे। 3 फीट का डोर, इसकी विड्थ ऑलरेडी 3 फीट है तो भी चलेगा, और हाइट हमें 7 फीट चाहिए तो भी चलेगा। ओके ठीक है, ये हमारे पास डोर क्रिएट हो गया आ गया। इसके बाद हमें इसे प्लेस करना है। प्लेस करने के लिए हमारे पास वायर फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पर एक डोर है। इसे रोटेट करने के लिए सिंपल स्पेस बार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। DR से, DR डोर की शॉर्टकट है। इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक डोर है, यहाँ पर एक डोर है, और यहाँ का डोर है लेकिन वो बड़ा है, इसलिए हम दूसरा डोर क्रिएट करेंगे, 3.5 फीट का, 42 इंच विड्थ, 42 इंच। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ऐसे सेलेक्ट करके स्पेस बार करके सही से कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास होके डोर प्लेस हो चुके हैं। डोर प्लेस करने के बाद अब हमें विंडो प्लेसिंग करना है। इसके लिए WN टाइप करेंगे तो विंडो फॉर्म आ जाएगी। आर्किटेक्चरल में विंडो भी ले सकते हैं, ठीक है। विंडो को हम लोड करेंगे, हमारी फैमिली से लोड करने के लिए WN टाइप करें, विंडो में आ जाए, लोड फैमिली में जाएं, लोड फैमिली। उसके बाद जिसके पास ये फैमिली नहीं है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ले। फैमिली की ज़रूरत हमें बहुत पड़ेगी आगे भी। इसके बाद हमें यहाँ से विंडो सेलेक्ट करना है। विंडो सेलेक्ट करने के बाद ओपन, ओपन करने के बाद हमें, एक मिनट ओपन हो रहा है,
ओपन करने के बाद हमारे पास फिर से अभी इसकी साइज़ और हाइट विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। इसके लिए फिर वही मेथड एडिट टाइप में डुप्लीकेट 5 फीट की विंडो में बना लेता हूँ। हाइट इसकी 4 फीट देंगे और विड्थ इसकी 5 फीट। ओके कर देंगे। ये हमारे पास आ गई 5 फीट की विंडो, यहाँ पर प्लेस कर देंगे इसके सेंटर में और यहाँ एक विंडो प्लेस कर देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ एक विंडो है और यहाँ एक विंडो है, इसकी साइज़ गिन लेंगे। सिंपली DI टाइप करेंगे कीबोर्ड से या मॉडिफायर में डायमेंशन टूल से भी हम इसकी साइज़ देख सकते हैं DI टाइप करके। अब हमारा ये सेंटर का फेस सेलेक्ट कर रहा है, इसके लिए हमें यहाँ से वॉल फेस सेलेक्ट करना है, फिर डायमेंशन हम देख सकते हैं। 3 फिट 7 इंच की एक विंडो चाहिए और दूसरी 3 फिट 4 इंच की है, ठीक है। इसके लिए हम छोटी विंडो ओपन करते हैं, फिर से WN टाइप करके फिर फैमिली में जाएंगे, विंडोज़ में ये छोटी विंडो हम इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए ओके करें, कितने मिनट का हो, 16 मिनट काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसके लिए हमारे पास आ गई विंडो, इसके लिए WN टाइप करके यहाँ पर जाएंगे, फिर इसकी साइज़ और हाइट देंगे डुप्लीकेट। 3 फिट 4 इंच की है ये विंडो, फिर इसकी दे देंगे 3 फिट 4 इंच और हाइट तो 4 फिट ही रहेगी। इसके बाद इधर की 3 फिट 7 इंच की डुप्लीकेट, 3 फिट 7 इंच और ओके, और हाइट इसकी 4 फिट करेंगे और यहाँ पर दे प्लेस कर देंगे इसकी। फिर से विड्थ इसकी 3 फिट 7 इंच कर देंगे और हाइट 4 फिट कर देंगे, सॉरी हाइट 4 फिट, विड्थ इसकी 3 फिट 7 इंच। अब हमें ये डोर बिठाने हैं छोटे से, तो DR टाइप करके हमें 2.5 फीट के डोर देने हैं टॉयलेट बाथरूम के लिए। इसकी विड्थ हम करें सॉरी डुप्लीकेट करेंगे पहले और इसको 30 इंच का डोर नाम दे देंगे और इसकी हाइट विड्थ 30 इंच और हाइट 77 साइज। यहाँ पर एक डोर है और यहाँ पर एक डोर है, इसको सिंपली स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक डोर है DR टाइप करके यहाँ प्लेस कर दें और ये डोर और ये डोर सेम है इसलिए हम मैच प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। मैच प्रॉपर्टी के लिए MA टाइप करें, MA के लिए इसे मैच कर दें फिर से सिंपली, ठीक है। इसके बाद हम इसे 3D व्यू में देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा प्लान। शेडेड मोड, हाँ ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास स्टेप आती है, इसके बाद स्टेप आती है हमें फ्लोर क्रिएट करने होते हैं, फर्श फर्श या फ्लोर क्रिएट करने के लिए आर्किटेक्चर में जाएंगे। आर्किटेक्चर में जाने के बाद फ्लोर्स करने के बाद यहाँ से रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर देंगे। रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करने के बाद ये कोई भी एक रूम का पहले फ्लोर बनाएंगे, ये एक आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। इसका डुप्लीकेट करेंगे, ओके कर देंगे। इसकी हाइट देंगे हम 1 फीट, ठीक है। फ्लोर की हाइट 1 फीट देने के बाद अब ये फ्लोर जो हमने क्रिएट किया हुआ है 1 फीट है, लेकिन इसका जो हाइट ऑफसेट है ग्राउंड से वो 0 पे है, यानी कि वो ग्राउंड से 1 फीट नीचे जाएगा, उसकी जो थिकनेस है वो नीचे की तरफ जाएगी, इसलिए हमें तो ऊपर चाहिए होता है। एक मिनट में बताता हूँ, हमें ये थिकनेस इसकी, ये देखो ये नीचे की तरफ गई है, हमने इसे ऊपर की तरफ लाना है, इसलिए हम इसे यहाँ से ऑफसेट बढ़ा देंगे। इसका ऑफसेट जितनी हमने थिकनेस दी है उतना रहेंगे, तो ये अभी राइट आ गया। इसके लिए फिर से जाते हैं, WF इंटर करके इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी
और यहाँ से पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसे डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अगर आपको सेम ही इसमें फ्लोर्स डालने हैं तो इसे डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों में तीनों में एक ही फ्लो दोनों में एक ही फर्श का मटेरियल दूंगा, इसलिए इसे एडिट टाइप करके इसे बढ़ा देंगे आगे। उसके बाद फिर से फ्लोर में जाएंगे या फिर इसी को उठा के कॉपी कर सकते हैं। ये इसे उठा के डबल सी से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ये एडिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों रूमों को मैं नहीं अलग अलग ही दूंगा, ठीक है। फिर से कंट्रोल सी या डबल सी, इसके बाद एडिट करके ठीक है। इसके बाद ये हमारा होगा फ्लोर, एडिट करके हमारे आंगन में इस तरह के फ्लोर हम दे देंगे। इसके बाद ओके करने के बाद इसे भी डुप्लीकेट कर देंगे। ओके, फिर कंट्रोल सी से कॉपी, पोर्च में भी हम इसे फ्लोर्स दे देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें एक साथ ही हम क्यों नहीं दे सकते, डायरेक्ट फ्लोर क्यों नहीं बना सकते। अगर एक साथ ही बनाएंगे तो उसके मटेरियल हमें अलग अलग देना है। अगर अलग अलग मटेरियल देने के लिए हमें अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा पोर्च, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लोर तैयार, सिर्फ यहाँ रह गया है वायर फ्रेम। फिर से कॉपी या फिर इसी को बढ़ा देंगे आगे। कॉपी, अब हमारे जो डोर्स है वो नीचे की तरफ गए हैं, इसलिए हमें जितने भी डोर्स और विंडो है सबको सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक से भी सिलेक्ट हो जाते हैं सब। सबको सिलेक्ट करने के बाद हमारे जो डोर विंडो है यहाँ से नीचे की तरफ से आते हैं, इसलिए हमें कंट्रोल एक्स दबाना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स दबाने के बाद मॉडिफाई में पेस्ट करेंगे प्लिंथ लेवल पे। तो ये सब राइट हाइट अपने सही हाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसे सेव करते हैं प्रोजेक्ट वन के नाम से। हाँ, इसके बाद हमें स्टेयरकेस की तरफ बढ़ना है। इसके बाद हमें स्टेयर केस किस तरह से बना सकते हैं वो अभी देख रहा है। ओके, इसके बाद स्टेयर केस के लिए हम ग्राउंड पे जाते हैं, डब्ल्यू एफ से वायर फ्रेम। वायर फ्रेम के बाद यहाँ से स्टेयर बनाने के लिए आर्किटेक्चर में स्टेयर सेलेक्ट करेंगे, स्टेयर बाय स्केच करेंगे। इसके बाद स्टेच करने के बाद हमें सबसे पहले बाउंड्री क्रिएट करनी होती है। बाउंड्री क्रिएट करने के लिए हमें एक रेक्टेंगुलर क्रिएट करने के बाद इसके बाद राइजर लेंगे। राइजर लेने के बाद इसे हम डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं कंट्रोल सी से, या मल्टीपल को कॉपी करें और इस तरह से हम कॉपी करके राइजर क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक हमारा ऐसा एक टप्पा है, ऐसी एक स्टेप है।
उसके बाद इसे हम बंद करेंगे बाउंड्री से, बाउंड्री से बंद करेंगे, बाउंड्री से बंद करने के बाद इसे ओके कर देंगे। ये क्रिएट हो गई हमारी स्टेयर केस, बट इसकी अभी सेटिंग करना बाकी है। हमारा कहाँ से स्टेयर शुरू हुआ है, यहाँ से ग्राउंड से प्लिन तक, हमें ग्राउंड से टॉप तक चाहिए। इसे टॉप से टॉप लेवल सेलेक्ट कर ले, उसके बाद 3D व्यू में देखें। ये हो गई हमारी स्टेयर, ये भी ग्राउंड लेवल से शुरू हुई है, इसलिए इसका ऑफसेट देंगे 1 फीट ऊपर। 1 फीट ऊपर देने के बाद हम इसकी कुछ सेटिंग करेंगे। इसकी कुछ सेटिंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एडिट टाइप में। एडिट टाइप में जाने के बाद स्ट्रेट थिकनेस, पहले जो ये स्ट्रिंगर है साइट के वो हटा देंगे। इसके लिए हम जाएंगे एकदम नीचे वाले स्ट्रिंगर पे, नन कर देंगे तो साइट के जो स्ट्रिंगर्स है वो हट जाएंगे। अब इसकी जो थिकनेस है वो हमें बढ़ानी होगी, इसके लिए हम इसकी थिकनेस ट्रेड थिकनेस में 4 इंच करेंगे और अप्लाई करेंगे। 4 इंच के बाद हमें ये डिफ़ॉल्ट से नॉइजी रेडियस 30 mm और फ्रंट ओनली, या फ्रंट ओनली या कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये हो गई हमारी स्टेयर तैयार, तो जिस तरह से हमारी स्टेयर्स बन गई। अब हमें इसमें कंपोनेंट अपॉइंट करना है, इसके लिए हम जाएंगे ग्राउंड में कंट्रोल टैब से। कंपोनेंट अटैच करने के, कंपोनेंट इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड से CM टाइप करें। CM टाइप करने के बाद कंपोनेंट की शॉर्टकट की है, इसके बाद फैमिली में जाएं। फैमिली में जाने के बाद आपके पास जो फैमिली है, या मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हूँ, उसके हम कंपोनेंट इंसर्ट करेंगे। हाँ, सबसे पहले हम लिविंग रूम में जो कंपोनेंट लगेंगे वो इंसर्ट करेंगे। इसके लिए फर्नीचर में जाएंगे, फर्नीचर में टेबल्स, टी टेबल भी लगेगा किचन के लिए, ये भी लगेगा फ्लावर पॉट के लिए, ये भी लगेगा। इतने मिल गए, इसे ओपन कर दें। इसे ओपन करने के बाद ये हमारे पास आया डाइनिंग टेबल, ये किचन में प्लेस करेंगे। अब हमारे पास और क्या आया, ये टी टेबल हम इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। स्पेस बार से इसे रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये टेबल फ्लावर पॉट जो कि यहाँ पर हम रख सकते हैं। इसके बाद हमें फिर से CM टाइप करके इंटोरेज में जाके कार इंसर्ट करेंगे। कार इंसर्ट करने के बाद इसी तरह से इंसर्ट कर करके हम कार, तो थोड़ी इसी तरह से हम इंसर्ट कर करने के बाद हम पूरा इसमें जो जो भी कंपोनेंट हमें लग रहे हैं वो सब हम इसमें डाल सकते हैं। जब तक मैं इंसर्ट करता हूँ तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूँ मैं। ऑलरेडी हमारा वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे प्लेसिंग के बाद। सारे हमने प्लेस कर दिए हैं कंपोनेंट, ये सोफ़ा, लैंप टेबल, टी टेबल, टीवी और जितना कुछ हो सका सब हमने डाल दिया है। जितना भी आपको और डालना है तो हम आप और कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं फैमिलीज में से, वैसे बताने के लिए इतना करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारे मटेरियल पे। मटेरियल में देने के बाद हमें इसका फर्श किस तरह से होना चाहिए डाइनिंग में, सॉरी लिविंग में, किचन में और बेडरूम वगैरह में। इसके लिए हम इसे सिलेक्ट करते हैं, जाते हैं एडिट में। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर आता है मटेरियल। मटेरियल के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर छोटे से बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मटेरियल टैब ओपन होगा। ओपन होने के बाद हमें यहाँ से
कैटेगरीज में से हमें लेना है मौसूल। ब्रिक मटेरियल देंगे, इसके लिए हम यहाँ पर ब्रिक्स में से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आपको मटेरियल चाहिए वो आप ले सकते हैं। मैं फिलहाल ये लेता हूँ डन का, ओके ओपन करके ये ज़्यादा है इसे मैट करेंगे, इसे ओके कर देंगे। ये यहाँ पर अप्लाई होगा क्यों, तो ये सब पर अप्लाई इसलिए हुआ क्यों, तो हमने इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया था, सिर्फ इसका डुप्लीकेट था, इसलिए हम फिर डुप्लीकेट बना के आप मटेरियल चेंज कर सकते हैं। इसका हम लेंगे दूसरा कोई बीच मटेरियल लेंगे, बीच में से हम इसे लेंगे कुछ चेकर टाइप, कि हम मटेरियल ये ले लेते हैं, कौन सा लें समझ में नहीं आ रहा, खैर कोई भी ले लेंगे, इसके बाद हम चेंज तो कर सकते हैं, आपको समझ तो आ गया होगा। इसके बाद हम फिलहाल ये ले लेते हैं, ये तो लिया हुआ है, ये ले लेते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई ओके फिर ओके, ये आ गया हमारे पास मटेरियल। उसके बाद हम वॉल को भी मटेरियल देंगे, एडिट में जाकर यहाँ से मटेरियल लेंगे और टाइप करेंगे वाइट। वाइट के बाद जिप्सम बोर्ड में से इसका वाइट से थोड़ा हटा के से नॉर्मल येलो कर देते हैं, रेंडर में अच्छा लगेगा। ये हो गया, ये डुप्लीकेट वॉल है हमारे, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, डुप्लीकेट वही वॉल देंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, इसमें आने के बाद मटेरियल में से पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। अब हमें इसमें मटेरियल देना है स्टेयर में, स्टेयर में मटेरियल देने के लिए एडिट में जाएँ, एडिट में जाने के बाद ये ट्रेड और राइजर मटेरियल, ट्रेड में हम मटेरियल लगा देंगे वाइट ही, और जो ये राइजर है इसे हम देंगे कुछ दूसरा कलर पाइन दे देंगे, ठीक है। अब हमें इसका मटेरियल चेंज करना है, इसे इसके लिए सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और ब्लस्टर और रेल स्ट्रक्चर पर जाएंगे। ऊपर रेल स्ट्रक्चर में यहाँ पर जितने भी हमारे पास रेलिंग्स है 6 है, इसके सब के मटेरियल चेंज करना पड़ेगा यहाँ से, इसके लिए हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे स्टील टाइप करेंगे, ये आ गया मेटल स्टील पॉलिश, ओके करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी पेस्ट कर देंगे सब पे, अप्लाई और ओके। ये आ गया इसे कभी मटेरियल। अब हमें इसका कैमरा सेट करना पड़ेगा, कैमरा सेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके, एक तो ऐसा माउस से हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसा भी आपको दुरुस्त लगे वैसा, और रेंडर में जाए, रेंडर में जाने के बाद रीजन पर सिलेक्ट करें, रीजन पर सिलेक्ट करने के बाद ये रीजन हम सिलेक्ट कर देंगे तो इसकी क्वालिटी और रेंडर आउटपुट अच्छा आएगा, और इतना ही वो हमारा रेंडर करके देगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इसे हम रेंडर
3D Max में किस तरह से किया जाता है, 3D Max में हम इसे किस तरह से बनाएंगे, रेंडर करेंगे वीरे में, और तो भी अच्छी क्वालिटी आएगी। इसके लिए यहाँ से हाई लेके 300 ले लेता हूँ, और इसकी सन सेटिंग में 190 पे सन को रोटेट करता हूँ, ओके करके इसे नो क्लाउड्स करके इसे रेंडर देता हूँ। तब तक रेंडर हो मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास रेंडर होकर आ गया है। इसकी क्वालिटी अगर आप हाई करेंगे, हाई से 600 पर और DPI पे देंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और फिर इसे सेव कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करें, जहाँ पर आप मर्जी है इसे JPG में या TIFF फाइल में भी आप सेव कर सकते हैं।